हाँ मैं आ रहा हूँ यार, बस तू क्या कह रही है यार मुझे। अबे अंधा है साले, सारे कपड़े खराब कर दिए। अब देखिए ना इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही सामने से आकर टकराए हैं, मेरा सारा खाना भी बर्बाद हो गया। बस यही काम रह गया मेरा तुमसे टकराना है। साले सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। साहब खाने के पैसे तो दीजिए। कौन से पैसे, और मैं क्यों दूं तुम्हारे खाने के पैसे? तुम लोगों की आदत जाती नहीं, बस बहाना चाहिए पैसे मांगने का। साहब आपकी वजह से मेरा सारा खाना खराब हो गया, ये खाना मेरे परिवार के लिए था, मेरी बीवी और बच्चा भूखे हैं, आपके लिए दूसरी प्लेट लेके देना कोई बड़ी बात नहीं है। बहाना ढूंढते रहते हैं पैसे मांगने का, जा मैं नहीं देता तेरे पैसे, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। साहब मेरे पास और खाना लेने के लिए पैसे नहीं है, एक प्लेट तो खाना ले दीजिए। तेरे खाने से जो मेरे कपड़े खराब हुए हैं उसका क्या, जा नहीं देता पैसे, हिसाब बराबर, जा। बाबा भूख लगी है, खाना कब तक आएगा? बेटा तुम अपनी माँ के पास जाओ, मैं लेकर आ रहा हूँ। अरे क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भैया, बस वो खाना गिर गया था, वही समेट रहा था। मैंने देखा उस आदमी ने क्या किया तुम्हारे साथ। अब भैया हम गरीबों की ज़िंदगी में तो रोना ही लिखा है बस। कोई बात नहीं, भगवान पर विश्वास रखें, सब ठीक होगा। भैया एक प्लेट और कर दो। भैया 25 रुपये किया थाली, 10 रुपये की नहीं मिलेगी। भाई मेरे पास 10 रुपये ही है, जितना आएगा उतना कर दो। नहीं मिलेगा यार, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा 10 रुपये में। भैया आपने देखा ना मेरा सारा खाना भी गिर गया। देख भाई मैंने लंगर तो लगा नहीं रखा, लेना है तो पूरे पैसे दो वरना जाओ। अरे ये खाना कौन देकर गया? ये एक भैया आए रहे, वो कहे कि तो हमारे दोस्त है। हमारे दोस्त? हाँ वो इधर ही किधर थे। किधर गए हैं? वो देखो वो रहा। तुम खाओ खाओ मैं आता हूँ। भैया आपने हमारी मदद की या आपने हमें खाना खिलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ये गरीबी और भूख का रिश्ता इन अमीर लोगों को कहाँ समझ आता है। इनके आगे कितना भी गिर डालो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गरीब का दर्द एक गरीब ही समझ सकता है। जाओ और अपने परिवार के साथ खाना खाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।